हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरे ट्विंस। और आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला था कि प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिए, कुछ इंगेज कराइए इन्हें, क्योंकि मेरे बिना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा कुछ इनके साथ बातें बातें कर रहे हैं, थोड़ा एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकतर बच्चों को मैं ही देखती हूँ, लेकिन अभी जैसे होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं है तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। और ये देख लीजिए किस तरह से खिला रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल में सारी एनर्जी इनकी भी डाउन होने वाली है, क्योंकि बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और वो भी आप समझ सकते हैं कि ट्विन मॉम का स्ट्रगल कितना ज़्यादा होता है, और कुछ ही पल में उनको पता चल जाएगा मेरी अहमियत। देख लीजिए, अब वो छोड़ दिए, अब खिला नहीं सकते क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बचती है। एक माँ जितना कर सकती है उतना एक पिता में करने की इतनी क्षमता नहीं होती है। इतना भी कर लिया उन्होंने, बहुत कर लिया मेरे लिए। उसके बाद देखिए परिस हो गई, इधर हेनरी, और ये फिर वापस अपने फ़ोन पर, क्योंकि होता है ना बच्चों को संभालना एक बहुत टेढ़ी खीर है। और ये देख लीजिए, अवॉइड कर रही थी कि मैं बच्चे मेरे पास नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या करो, बच्चे तो बच्चे ही हैं। क्योंकि अभी जैसे कि सर्दी खांसी जैसी है, फील हो रही थी मुझे थोड़ी सी, तो मैं चाह रही थी कि बच्चे मेरे से दूर रहें या घर वाले, लेकिन फिर भी चिपक रहे थे। और फाइनली देखिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इनके कपड़े बदले, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, सुबह से शाम हो गई थी। तो अब शाम के वक्त तो बच्चों को नहला नहीं सकती, इसलिए मैं उनके बदन को पोंछ कर बहुत अच्छे से उनकी ड्रेस मैंने बदली, और फिर बालों में अभी तेल लगाऊंगी दोनों के। थोड़ा सा इंगेज कर रही थी कि वो लोग थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करें, रोए नहीं, तो इसलिए मैंने हल्का सा उन्हें फ़ोन भी अलाउ कर दिया था, ताकि शांति से वो बालों में तेल लगवा सके। नहीं तो तेल वेल लगवाने के समय बहुत ज़्यादा उछल कूद करते रहते हैं और बिल्कुल भी लगवाना नहीं चाहते, आप देख ही सकते हैं जैसा कि है। तो शांति से अगर आप फ़ोन दे दीजिएगा तो शायद थोड़ा सा अलाउ कर भी दें, नहीं तो बहुत मुश्किल करते हैं मालिश कराना और ये सब कराना। देखिए फिर भी वो भाग रहा है, उसको मैं पकड़ रही हूँ, और ये सब चलता रहता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस फाइनली, और एक चश्मा है जिसका शीशा नहीं है, उसको पहना पहना के हम दोनों उसको इंगेज करते हैं बच्चों को, कि अरे देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो वो दोनों भी पूरा एक्टिवली देखने लगता है, जैसे मेरे मम्मी पापा यहाँ आ गए। कैमरे का एंगल अच्छा नहीं था, इसलिए पापा का फेस इतना नहीं आया है। तो वो चश्मा पहना के हम लोग दिखा रहे हैं कि देखो चश्मा कैसा लग रहा है, और परी और हेनरी काफ़ी इतरा रहे हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मम्मी का बेड थोड़ा सा ठीक कर लूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि तबीयत कितनी भी ख़राब रहती है, एक औरत को उठना ही पड़ता है, अपने परिवार के लिए करना ही पड़ता है। मतलब आप कितना भी आप सोच लो कि आपसे आराम नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। कितना ज़्यादा आप बैठिएगा, आपको इतना सर पे काम दिखेगा ना, उस समय लगेगा कि एक मिनट भी बैठना मतलब औरतों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहिए कि उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, ना सैटरडे होता है ना संडे होता है, कुछ नहीं होती है। तो फिर फाइनली बेड लगाया मैंने, और फिर बच्चों को दूसरे रूम में मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद शिफ्ट करने के बाद मैं उनको भी उनके पास जाऊँगी, देख लीजिए उनके पास जाके फिर उन्हें देखना चाहती है। यहाँ मम्मी किचन में काम कर रही हैं, और बच्चों को मैंने फ़ोन थोड़ी देर के लिए दे दिया था जब तक मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फिर पापा का फेस भी आपको दिखा दिया, पापा हैं मेरे। और बस ये व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड, अगली वीडियो में मिलूँगी।